हेलो, मेरा नाम है अंकुर और इस वीडियो में मैंने यहाँ काफ़ी सारे ये सेल रखे हुए हैं। ये हैं 18650 लिथियम आयन सेल्स 3.7 वोल्ट के। ये सेल्स मार्केट में कई तरह से अवेलेबल हैं। कोई 5000 mAh लिख के बेच रहा है, कोई इन्हें 6000 लिख के बेच रहा है, कोई 2000 mAh लिख के बेच रहा है। तो आज मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये दिखाना चाहता हूँ कि हम कैसे पता करेंगे इनमें से कौन सा सेल बेहतर है। आजकल ये सेल हर जगह लग रहे हैं, आपको ये लाइटों में मिल जाएंगे, यहाँ तक कि जो गाड़ियाँ बनती हैं इलेक्ट्रिक, उनमें भी इन्हीं की सीरीज़ बनाई जाती है। रिचार्जेबल लाइट्स में लगते हैं ये, कॉमन पावर बैंक्स में लगते हैं। अगर आपने कोई ब्लूटूथ स्पीकर लिया है तो उसके अंदर भी आपको जब खोलेंगे तो यही सेल मिलेंगे। तो ये सेल का मैंने पता लगाने का तरीका ये निकाला है कि अगर आप इनका वज़न कर लें, अगर तौल लें इन्हें, तो इनका सही बैकअप आपको पता चल सकता है कि कौन सा सेल किससे बेहतर है मेरा या ज़्यादा MAH है। बेचने वाले तो ऑनलाइन अगर आप इन्हें ढूंढेंगे 18650 सेल को तो 5000-6000 mAh लिख के बेच रहे हैं, पर एक्चुअल में अगर आप सही रिसर्च करें तो इसमें 2800 mAh से ज़्यादा कैपेसिटी अभी इस सेल के साइज़ में स्टोर हो ही नहीं सकती। तो यानी कि जो 5000-6000 mAh के सेल बेच रहे हैं वो सब फेक हैं और एक्चुअल में वो वही 1200-1500 mAh 2000 mAh तक होते हैं। तो देखते हैं कैसे हम इसे पता लगाएंगे। मैं इसको पहले इसको ऑन कर लेता हूं अपने वेइंग मशीन को। इसमें ग्राम्स में हम अभी रेटिंग्स ले रहे हैं तो ग्राम में मैं तौलता हूं। पहले ये मेरे पास 1200 mAh का सेल है, दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखिए 1200 mAh। तो इसको मैं तौल लेता हूं। इसको जब मैंने तौला तो ये लगभग है 33 ग्राम्स। ये सबसे हल्का सेल है मेरे पास 1200 mAh का। इसके बाद मेरे पास ये सेल है 2200 mAh का, ये दिखा देता हूँ मैं। ये 2200 mAh का ये लिखा है 2200। इसको मैं तौल लेता हूँ। ये मेरे पास सबसे भारी सेल है और ये है लगभग 44 ग्राम्स का। 44 ग्राम्स का ये सेल है तो इससे बहुत हैवी हुआ, ये तो 35 ग्राम्स का ही था। अब मेरे पास एक और सेल है यहाँ, ये भी 1200 mAh का ही है, ये दूसरी कंपनी का है और ये लगभग 36 ग्राम्स का आ रहा है हमारा, तो ये भी ठीक है। और ये मेरे पास एक सेल है 1500 mAh का, इसको मैं जब तोलूँगा तो ये लगभग है 37.77 ग्राम्स का। तो ये मतलब 1200 और 2000 के बीच का हो गया। और ये एक मेरे पास सेल है, ये XG पावर का, ये 2000 mAh है, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है 2000 mAh। तो ये है 42 ग्राम्स का। तो हमने देखा जो मेरे पास 2200 mAh का सेल था वो सबसे ज़्यादा वज़न उसका निकला 46 ग्राम्स के आसपास, तो वो सबसे ओरिजिनल सेल भी है और सबसे ज़्यादा जो है इसमें MAH सबसे ज़्यादा बैकअप इसी सेल में है। तो ये एक तरीका है जो मैंने ओवर द ईयर्स, क्योंकि हम कई कंपनियों से ये सेल्स मंगाते हैं, चाइना से भी और इंडिया से भी, तो मैंने ये चीज़ देखी है कि अगर इनका वज़न प्रॉपरली नाप लिया जाए तो इनका आप एक्चुअल MAH गेस कर सकते हैं। और आप इनको जब चेक करेंगे बैकअप्स को तो आपको लगभग, जो मैंने इससे एक बेस लाइन बना ली है कि इतना MAH का ये सेल है, तो आपको उतना ही बैकअप उससे सेल से मिलेगा।